गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड विंडो। बेटा आज हम अपना अध्याय तीन करेंगे, पार्ट तीन करेंगे। कौन सा? विंडो। चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर्स वी विल नो अबाउट विंडो। बच्चों, इस चैप्टर में हम विंडो के बारे में जानेंगे। सो टेल मी व्हाट इज विंडो, इसलिए मुझे बताओ विंडो क्या है। विच इमेज कम्स टू योर माइंड, जो कि इमेज दिमाग में आती है, यानी जो इमेज आपके दिमाग में आती है। यस, इट इज़ द ग्लास विंडो थ्रू विच वी कैन कीप आउटसाइड एंड कैन हैव वेरियस व्यूज, यानी वो अलग अलग विचार जो हम अपने दिमाग में ले सकते हैं। लाइकवाइज इन कंप्यूटर्स, ठीक उसी प्रकार इन कंप्यूटर्स में विंडो इज ए रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट शोज डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन द स्क्रीन। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में दिखती है हमें, जो कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर हमें अलग अलग प्रोग्राम दिखाती है। देयर आर डिफरेंट वेरियस वर्जन्स, सॉरी भाई, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडो अवेलेबल इन द मार्केट। अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग वर्जन हैं उसमें विंडो मार्केट में अवेलेबल है। लाइक विंडो जैसे 95, 98, 2010, 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 98, विंडो 95 एक्सेट्रा, ये सभी विंडो मार्केट के अंदर आई हुई है। विंडो 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा एंड विंडोज 7। ओके, विंडोज 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो, कि MS विंडो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? विंडो 10, जो मार्केट के अंदर आजकल आया हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। विंडोज 7, हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे आज? विंडो 7 के बारे में। विंडोज 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर द यूज़ ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, जो इसका प्रयोग हम किस पे करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर पर। इट अलाउज योर कंप्यूटर टू मैनेज सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म एसेंशियल टास्क, ये क्या करता है? जो सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करता है और जो एसेंशियल टास्क होते हैं इसके, उनको दर्शाता है। इट इज़ आल्सो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यू टू विजुअली इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर्स फंक्शंस इन अ लॉजिकल फन एंड ईजी वे। ये प्राय क्या करता है? हमारा जो कंप्यूटर है वो फंक्शंस, कौन से फंक्शंस के साथ काम करता है? लॉजिकल और फन और ईजी वे, ठीक है। फिर आता स्टार्टिंग विंडो 7। विंडो 7 को स्टार्टिंग कैसे करते हैं? गो विद दिस स्टेप टू स्टार्ट विंडो 7, कि जो स्टेप दिए गए हैं उनके साथ हम क्या करेंगे? अपनी विंडो जो 7 है उसको स्टार्ट करेंगे। क्या दिए गए हैं उसके ये स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टर्न ऑन द इलेक्ट्रिक स्विच फ्रॉम द बोर्ड, कि हम सबसे पहले हमारे जो बोर्ड के अंदर जो स्विच लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक का, उस स्विच को हम ऑन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? टर्न ऑन द पावर बटन फ्रॉम द CPU ऑन एंड द मॉनिटर। उसके बाद हम जो पावर बटन है उसको ऑन करेंगे, और किसका पावर बटन? CPU और मॉनिटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन द विंडो 7 वेलकम स्क्रीन अपीयर, फिर क्या होगी? जो विंडो 7 है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी इस टाइप से। फिर होगा आफ्टर सम टाइम द विंडो 7 डेस्कटॉप अपीयर, कुछ समय के बाद जो विंडो 7 का डेस्कटॉप है वो खुल जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। स्क्रीन एलिमेंट ऑफ विंडो 7, कि विंडो 7 के स्क्रीन एलिमेंट क्या हैं? विंडो 7 स्क्रीन हैज़ मैनी कंपोनेंट्स, इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। लुक एट द अबव पिक्चर्स केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि जो पिक्चर्स है उसको सावधानीपूर्वक देखें और जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए उनको समझने की कोशिश करें। डेस्कटॉप, फर्स्ट क्या था हमारा? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी व्हेन विंडो 7 स्टार्ट,
इट इज़ द एरिया वेयर वी वर्क, कि जो डेस्कटॉप है उसकी फर्स्ट स्क्रीन की उस पर हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं जो विंडो 7 स्टार्ट होती है। इट इज़ द एरिया वेयर वी वर्क, ये वो एरिया है जहाँ पर हम वर्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा द स्मॉल पिक्चर्स डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर इसने क्या कहा, स्मॉल पिक्चर्स, ये जो दिख रही हैं आपको स्मॉल पिक्चर्स जिसको हम आइकन्स बोलते हैं वो दिख रही हैं किस साइड में, लेफ्ट साइड में। स्क्रीन आर कॉल्ड आइकन, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे आइकन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं माई कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट एक्सप्लोर, रिसाइकल बिन एक्सेट्रा। ओके बेटा, ये आपका थर्ड चैप्टर का हाफ है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस।